नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे 2 बजे के स्पेशल शो का, जिसमें आज मुद्दा है स्कूलों की दुकान बंद। जी हां, प्राइवेट स्कूल नाम सुनते ही विद्यालय से ज्यादा व्यवसाय की तस्वीर जहन में उभरती है। भोपाल में स्कूलों की इसी व्यवसाय पर अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। आदेश है कि प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें नहीं बेच सकेंगे, ना ही किसी खास दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करेंगे। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प स्थिति है, आदेश सिर्फ भोपाल में आया है। सवाल है कि पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। जाहिर है आप सब तमाम अभिभावक स्कूलों से पैसे लेकर दी जाने वाली इस तकलीफ से रूबरू होंगे, तो अपने अनुभव आप हमसे साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। इस फोन नंबर पर फोन कीजिए और जो भी आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं हमसे साझा कीजिए। हमारे सहयोगी जहार खान हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल से, समीर खान इंदौर से इसी खबर पर, वहां के कुछ बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल समीर आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो आदेश जारी हुआ है, अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि और जिलों के जो अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जिलों में भी ये जो आदेश है ये लागू हो, और ऐसा अगर नहीं करते हैं स्कूल वाले, करते हैं बाध्य करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ज्यादातर की यही परेशानी है कि स्कूल की तरफ से बाध्य किया जाता है कि आपको ड्रेस और बुक्स केवल और केवल इसी दुकान पर मिलेगी। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो है हमारा जो मुद्दा है वो भी बिल्कुल एकदम राइट है, क्योंकि अभी जो है नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, परीक्षाओं की अंतिम तिथि चल रही है, वो परीक्षा होते ही जो है हम ये कहें कि अभिभावकों के हाथ में स्कूल ड्रेस को लेकर जो है, या तो ड्रेस बदल दी जाती है तो उसको लेकर एक स्लिप पहुंच जाती है, और नए कोर्स को लेकर एक स्लिप पहुंच जाती है, और अभिभावकों के पास हम ये कहें कि एक चिंता की लकीरें उनके माथे पे आ जाती है कि फीस तो देना ही है, साथ में अब इस शॉप से जाकर इसी कीमत पर, मतलब जो निर्धारित मूल्य जो डिसीजन स्कूल प्रशासन और जो भी बुक्स ऑनर है या ड्रेस के ऑनर है वो तय कर देते हैं, तो उसी तरह के हालात जो है बनने लगे हैं, और लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें अभी से आने लगी है। और मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर जिला यही चाहता है, भोपाल या इंदौर ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा, पूरे मध्य प्रदेश में अभिभावकों की यही मांग है। समीर, हमारी कोशिश भी है कि अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में हम ले। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, रवि कुमार है हमारे साथ, जो इसी मुद्दे पर राय रखना चाहते हैं। जी रवि। जी मैम नमस्कार, मैं एक प्राइवेट स्कूल संचालक हूं और मेरा जो स्कूल है वो एक गांव में चलता है। जैसा कि आप इस मुद्दे पे चर्चा करें, मेरी थोड़ी सी इस पे मैं भी अपनी राय रखूंगा कि सरकार और मीडिया जो है वो बड़े स्कूलों को देखकर चलता है। हमारा तो छोटा सा स्कूल है और एक गाँव में है, यहाँ पर हम जो पुस्तकें चलाते हैं उसकी कीमत बमुश्किल आप समझिए कि 600 या 700 रुपए है पर ईयर, और ड्रेस भी हम 5-5 साल तक नहीं बदलते हैं। अब रही बात बड़े बड़े शहरों में क्या होता है वो आप बता ही रहे हैं, लेकिन एक गांव के स्तर से देखा जाए तो हम लोग कहीं पर भी गलत नहीं है, हम सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। दूसरी बात, हम जो छोटे बच्चों को जो फ्री पढ़ाते हैं निःशुल्क आरटी के अंतर्गत, उसका हमको 3-3 वर्ष से सरकार ने भुगतान नहीं किया। मेरे खुद के स्कूल का 2 वर्ष का भुगतान बाकी है। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग कैसे स्कूल चला पाएंगे। सरकार तो हमें बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है सरकार हमें। जी रवि, जो समस्या आप रख रहे हैं वो जायज है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी आवाज पहुंची हो संबंधित लोगों तक। सवाल हम प्राइवेट स्कूलों को लेकर ही यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं रवि, कि आखिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कब तक चलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे। भूपेश है हमारे साथ, राय रखिए, क्या इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। जी हाँ, मतलब किसी एक शहर से संबंध नहीं रहना चाहिए इसका, पूरे एमपी में, मतलब पूरे सब दूर, मतलब इसको लागू किया जाए। जी बिल्कुल, पूरे अब मांग यही उठ रही है मुकेश जी कि इसको पूरे एमपी में लागू किया जाए, क्योंकि अभिभावक काफी परेशान है इस समस्या से। जिस तरीके का प्रेशर उन पर पड़ता है, हर साल जो ड्रेस बदलती है, कई बार साल में 2 बार भी ड्रेस बदली जाती है, और बुक्स एक ही दुकान से लेने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। शुक्रिया मुकेश जी आपका अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इजहार और समीर। इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, कुछ अभिभावक शायद आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कलेक्टर भोपाल क्वेश्चन विक्रम सिंह ने ये आदेश निकाला, इसके बाद हमने कई पेरेंट्स से बात की, और तो पेरेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है
कि ये जो फैसला लिया है कलेक्टर भोपाल ने, जो आदेश जारी किया है, वो ऐतिहासिक आदेश है। इससे जो स्कूल और जो दुकान संचालक है उनके बीच कमीशन खोरी खत्म होगी, इससे आज़ादी मिलेगी कि कहीं से भी यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, कहीं से भी बुक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है कि संबंधित स्कूल का यूनिफॉर्म, संबंधित स्कूल की बुक्स एक ही दुकान पर मिलेगी, कहीं और से नहीं ले सकते। लेकिन अब जब कलेक्टर भोपाल ने आदेश जारी किया है कि जो स्कूल हैं उन्हें नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा कि वो जो किताबें पढ़ा रहे हैं, जिन किताबों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनका राइटर कौन है, उनका पब्लिशर कौन है, तो उसके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं वो कहीं से भी ले सकेंगे। उसके अलावा अगर बात करें यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म भी मेंशन करना होगा, जिसके बाद पेरेंट्स को आज़ादी रहेगी कि वो वहां से ले ले। एक और खास बात इस आदेश में है कि देखने में आया है कि जो स्कूल होते हैं वो यूनिफॉर्म पर, टाई पर या फिर बैग पर अपना नाम अंकित कर देते हैं, तो अब वो उनका नाम भी अंकित नहीं कर सकते। हमारे साथ भी अभिभावकों की भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, इजहार अभिभावकों की भी प्रतिक्रिया हम लेंगे। माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र है जबलपुर से, उनकी भी बात इस मुद्दे पर सुन लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या राय आपकी है? मैम नमस्कार। मैम ये जो आदेश भोपाल के कलेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने निकाला है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगा मैम। हेलो जी, जी हम आपको सुन रहे हैं पुष्पेंद्र जी, कहिए। यस मैम, जैसे इसमें स्टेशनरी और बैग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और मैंने मैम कि अगर CBSE पैटर्न है जो प्राइवेट स्कूल फॉलो कर रहे हैं जी ना, CBSE पैटर्न में मेरे दो बच्चे हैं, एक दूसरे स्कूल में पढ़ता है, एक दूसरे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी दोनों का सिलेबस भाई दूसरी क्लास में अलग है, दूसरी क्लास में अलग है, ऐसा क्यों? मतलब स्कूल में सेम क्लास में है वो, लेकिन अलग अलग स्कूलों में है, तो अलग अलग उनके लिए सिलेबस है, अलग अलग बुक परचेस करनी पड़ती है। अगर CBSE का पैटर्न एक है तो मेरी ये राय है, इसको प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि CBSE का जो भी पैटर्न हो वो सारी स्कूल की बुक्स एक होना चाहिए भाई। अगर पुष्पेंद्र जी ये मुद्दा भी हम उठाएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो हम ड्रेस को लेकर, कि एक पर्टिकुलर दुकान से ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है और बुक्स, आज यही है। लेकिन आपकी बात भी हम जहन में रख रहे हैं और आने वाले दिनों में ये भी उठाएंगे जरूर अपने इस प्रोग्राम के जरिए। तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इजहार जी अपनी बात पूरी कीजिए, इजहार क्या कह रहे थे आप अभिभावकों से बातचीत कर रहे थे उस वक्त? बिल्कुल, देखिए जो पेरेंट्स है भोपाल के, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस फैसले को बहुत सही बताया। उन्होंने कहा कि ये जो आदेश आया है इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर स्कूल संचालक नहीं मानते तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर इन स्कूलों से, इन दुकानदारों से त्रस्त हैं। संबंधित स्कूल की दुकान की जो किताब है संबंधित दुकान पर मिलती है, अगर उसी बुक्स को, उसी यूनिफॉर्म को दूसरी दुकान पर ख़रीदने जाएँ तो उससे काफ़ी कम पैसों में मिलती है, लेकिन मजबूरी है, स्कूल का दबाव रहता है तो ख़रीदना पड़ती है। लेकिन ऐसे में जब कलेक्टर भोपाल ने आदेश जारी किया है तो उन पेरेंट्स को राहत मिली है, वो काफ़ी खुश हैं, वो चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ये आदेश लागू हो। हमारे साथ में कई पेरेंट्स हैं। सर, कलेक्टर भोपाल का जो आदेश आया है आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्या लग रहा है, वो कितना सही है और उसका क्या मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? नहीं देखिए, लंबे समय से मध्य प्रदेश के जो पेरेंट्स हैं उनकी ये मांग थी, जो ये स्कूल और शिक्षा माफियाओं का जो गठजोड़ था जिसमें कि आर्थिक रूप से पेरेंट्स पे ये दबाव रहता था कि उनको चिन्हित दुकानों से वो सिलेबस खरीदना, कोर्स खरीदना है, और पेरेंट्स के पैसे से वो अपनी मार्केटिंग करते थे, बच्चों के ड्रेस पे अपने नाम, उनकी किताबों के कवर पे अपने नाम, इस तरह की चीज़ें वो पेरेंट्स के पैसे पे करते थे, और आधी कीमत पे दूसरी जगह पे वही सिलेबस उपलब्ध होता था, लेकिन मजबूरी थी कि अगर उनको किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है तो वहाँ के आदेशों को मानना है। आज का निर्णय निश्चित ही स्वागत योग्य है, और इसको कार्रवाई कलेक्टर भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए और सख्ती से लागू कराना चाहिए, जिससे कि मानसिक और आर्थिक रूप से पेरेंट्स का भला हो सके और वो बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करवा सके। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कही है कि मानसिक और जो आर्थिक रूप से पेरेंट्स पीड़ित होते हैं, इस फैसले से उनको राहत मिलेगी। आप बताइए क्या लग रहा है? बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला दिया है भोपाल कलेक्टर ने, और ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। शिक्षा माफियों द्वारा स्कूल की जो किताबें हैं वो एक ही बुक्स दुकान पे मिलती थी, और वहाँ भी दुकान पे बहुत भीड़ लगती थी, दो दो दिन नंबर नहीं आता था। अभी ये सब कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी, तो अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इजहार हम सुन पा रहे हैं और देख भी रहे हैं कि अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कमल हमारे साथ, कमल द्विवेदी है एक दर्शक,
जी कहिए, क्या कहेंगे, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? जी मैडम, अभी तो हमारी ये समस्या है कि जो वर्तमान समय में बोर्ड परीक्षा फिफ्थ और एट्थ क्लास की चल रही है, तो उसमें सरकार ने केवल गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई है। अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ तक कि कुछ जगह प्राइमरी टीचर हैं, उनसे इंग्लिश बन नहीं रही, और वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, फिफ्थ के एट्थ के, उनको बिल्कुल भी समझा तक नहीं पा रहे हैं, और बच्चे छोटे बच्चे क्वेश्चन ना समझाने के कारण छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। कमल जी, बड़ी समस्या है ये, लेकिन ये आज का मुद्दा नहीं है हमारे प्रोग्राम का। हम आपकी बात जो सुन रहे हैं आगे आने वाले वक्त में जरूर उठाएंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रज्ञान वर्मा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रज्ञान जी, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर, क्या कहेंगे? मैं ये पूछ रहा था मैडम जी कि जैसे जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय जी जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके ऊपर सब मैडम जी शासन बहुत ज्यादा सख्त हो रही है। क्या कि अभिभावक उतना सपोर्ट नहीं करता, शासन थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, अब वो भी नहीं करना बंद कर दी है। जी प्रज्ञान जी, समस्याएं ढेर हैं, लेकिन उन समस्याओं को उठाने की कोशिश है आज मुद्दा है किताबों को और वर्दी पर जो मनमानी चल रही है। शुक्रिया आपका हमसे बात के लिए, बात करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इजहार खान बने हुए हैं, समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, कुछ अभिभावकों से आपकी भी बातचीत हुई होगी, क्या कहते हैं अभिभावक, क्योंकि ज्यादातर की अब ये भी शिकायत है कि अभी भी ये मनमानी चल रही है, अभी भी ये है कि किताबें खत्म हो गई हैं, लेकिन एक दुकान है वहीं से वो बुक्स मिलेंगी। अब ऐसे जो शॉपकीपर्स हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी मनमानी चल रही है। इंदौर में जब हम लोगों ने एक स्कूल के बाहर जहां परीक्षा केंद्र था उसके बाहर पहुंच के जब हमने पेरेंट्स से बात की, तो उनका यही कहना था कि 2023 में ही इस इंदौर शहर में जो उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे इलैया टी राजा, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 144 धारा के तहत तमाम स्कूलों में जो है ये जो बंधन है, ये जो बंधन लगा दिया जाता है या उन पर जो है हम ये कहीं कह दिया जाता है कि आपको इसी शॉप से बुक्स खरीदना है और इसी शॉप से ड्रेस खरीदना है, तो अगर वो खरीदी जाती है तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे। तो पेरेंट्स का यही कहना था, जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया कि लोगो, स्कूल का लोगो होता है और वो लोगो ड्रेस पर होता है, और वो लोगो ड्रेस पर उसी दुकान को दिया जाता है जिस दुकान से ये ड्रेस परचेज करना है, तो मतलब साफ है कि अभिभावकों को जो है 144 का भी कोई लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया। एक साल हो गया है 2023 में इंदौर में ये आदेश लागू हुआ था, लेकिन तो अभी भी स्थिति जैसी की लागू है, लेकिन मनमानी अभी भी जारी है। प्रभु दयाल सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। जी प्रभु दयाल जी, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल में ही क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसे पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि बुक सस्ती की जाए, ड्रेस सस्ती की जाए, तो गवर्नमेंट स्कूल को क्यों नहीं अपडेट करवाते पेरेंट्स? जी प्रभुदयाल जी, अच्छा सुझाव आपका है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये राय भी लोगों की और ये नजरिया भी बदलना होगा, लेकिन पढ़ाई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है प्रभुदयाल जी, उसमें बहुत जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत है, जिसमें अभी शायद काफी वक्त लगेगा। आप और हम बखूबी ये समझ सकते हैं कि क्या स्तर, ये नहीं कह रही हूं मैं कि सरकारी स्कूल में स्तर अच्छा नहीं है शिक्षा का, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है एक सरकारी में और प्राइवेट में। आपका जो सुझाव था वो बहुत बढ़िया था। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर बने हुए, एक बार दर्शकों से फिर से अपील कर देते हैं, स्कूलों की दुकान बंद होगी आने वाले वक्त में। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है भोपाल के कि अब स्कूल अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर दुकान से वर्दी और बुक्स खरीदने के लिए। अभिभावक इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का ये भी कहना है कि मनमानी अभी भी स्कूलों की जारी है। इजहार, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है, आदेश आ गया है, इसका इम्प्लीमेंट होगा क्या, स्कूल जो संचालक हैं वो मानेंगे, क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, अगर प्रशासन सख्ती से ये आदेश जो निकाला है इसका पालन करवाएगा तो निश्चित ही उनको मानना पड़ेगा, और ये शिक्षा के हित का मुद्दा है, इसको सरकार को अपना मुद्दा बनाकर और इसको लागू कराना चाहिए, जिससे कि लाखों लाख पेरेंट्स का भला होगा और मध्य प्रदेश के नौनिहालों को शिक्षा के ग्रहण के लिए उनके पेरेंट्स को आर्थिक और मानसिक रूप से
जो है कि काफ़ी अच्छा माहौल पैदा होगा, जिससे कि वो कर्ज के जंजाल में, कई बार इस तरह की चीज़ें आती थी कि जो स्कूलों ने अपना चिन्हित दुकानों पे भेजना था तो वहाँ पर जो उनको कोर्स और ड्रेस लेना थे वो काफ़ी महंगे उपलब्ध होते थे और उसके लिए भी तीन तीन चार चार दिन की वेटिंग करना पड़ती थी। अगर सरकार चाह लेगी तो सारी चीज़ जनहित में लागू हो सकती है। नीति और नियत कलेक्टर और प्रशासन की क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगी, जिससे कि पेरेंट्स का भला होगा और निश्चित ही ये मध्य प्रदेश का भी भला होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या फैसले उठाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि आदेश का पालन हो पाए? जी बिल्कुल, जनता को भी इसमें आगे आना होगा, प्रशासन के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ेगा प्रशासन को, जिससे अगर पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर कोई ठगी हो रही है, कमीशन खोरी में अगर स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, तो इसको एक सामने आने चाहिए, रोज इसकी एक कमेटी एक बनानी चाहिए, रोज इसकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन कौन पेरेंट्स ने शिकायत करी है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो स्कूल वाले नहीं मानते तो उनपे ताला लगना चाहिए उन स्कूलों पे। प्रशासन बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक पेरेंट है, उन्होंने एक और सुझाव दिया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए जिस पर जो पीड़ित पेरेंट्स हैं वो शिकायत कर सकें और उसके लिए एक टीम बने जो उसकी लगातार मॉनिटरिंग करे और उन शिकायतों का निराकरण करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आदेश का पालन करवाना है तो सख्ती से निपटना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूलों में ताला भी डालना पड़े। जी जी इजहार बिल्कुल, और सुझाव भी काफी बढ़िया दिया है कि एक ऐसा नंबर तो हो जिस पर अभिभावकों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर शिकायत दर्ज करा सके। समीर हम अगर आपसे ये जानना चाहें, देखिए आप ही बता रहे थे कि बहुत से अभिभावक ये कहते हैं कि आदेश तो सालों से ये लागू है लेकिन इसका पालन नहीं होता है। ऐसे में अगर अभिभावक एक सामान्य सा अगर कोई दर्शक ये प्रोग्राम देख रहा है और उसका जहन में सवाल ये है कि मेरे साथ ये अभी हुआ क्योंकि नया सत्र शुरू हो गया है, किताबें और वर्दी खरीदने पहुंच रहे हैं अभिभावक दुकानों पर, तो वो कहां पर जाए अपनी शिकायत लेकर? अगर उसके साथ ये हो रहा है तो उसको कहां पर दरवाजा खटखटाना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हमें वही जिस तरह से हमने कहा कि ये जो पूरा मध्य प्रदेश लेवल पर मध्य प्रदेश सरकार को इस ओर जो है एक नया कानून बनाना होगा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कोई कानून नहीं है। धारा 144 के तहत ही जो है इंदौर के कलेक्टर इलैया टी राजा द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि जो है वो बंधन वो खोलते हैं, लेकिन अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है या फिर हम ये कहें संकुल केंद्र है जो अलग अलग जिस तरह से आपने कहा, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो अपनी शिकायत अपने जिला शिक्षा अधिकारी को या अपने संकुल केंद्र को जो उसी क्षेत्र में मौजूद होता है वहां पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद जो है जरूर कार्रवाई होगी, भले ही धारा 144 में अगर कार्रवाई की बात करें तो 188 धारा के तहत 188 के तहत कार्रवाई करने की जो है हम ये कहें कि तमाम जो है पुलिस ऑफिसर को भी जो है इस बात के निर्देश दिए गए थे, जाकर थाने में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अक्सर देखिए ये प्रैक्टिकली होता नजर नहीं आता, वजह साफ है, बच्चे को अपने को उसी स्कूल में पढ़ाना है और उसी स्कूल से जो है आपको पूरे साल भर जो है हमें ये कहें कि लगातार बातचीत भी करना है, तो अगर आप स्कूल के खिलाफ जाते हैं तो आपका बच्चे का भविष्य वहां सुरक्षित होगा या नहीं होगा? पेरेंट्स ये तमाम दिक्कतों को लेकर जो है शिकायत करने नहीं पहुंचते, लेकिन अगर सरकार खुद ही ऐसा नियम बना दे, स्कूलों की ओर जो है ऐसे कड़े नियम लागू कर दे कि आपको जो है बिल्कुल जो अभिभावक हैं जो पेरेंट्स हैं उनको बाध्य नहीं करना है, तब जाकर जो है इस समस्या का समाधान निकलेगा। नहीं तो जिस तरह से एक साल पहले इंदौर में आदेश जारी हुआ था, हमारे सहयोगी झार बता रहे हैं भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी हुआ, वो आदेश आदेश बनकर ही रह जाएगा। इजहार समीर बता रहे हैं जैसा कि अब ये तो है, लापरवाही तो होती है, अभिभावक वैसे शोर मचाते जरूर है लेकिन ये कह रहे हैं समीर और है भी यही कि पूरे पढ़ाना बच्चे को उसी स्कूल में है तो अभिभावक भी बार बार ऐसी कोई स्थिति नहीं खड़ी करेंगे कि उनके बच्चे को आगे परेशानी हो, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं फीस बढ़ोतरी का जो मुद्दा होता है सभी अभिभावक चाहते हैं कि इस पे कमी आए लेकिन सवाल खुलकर नहीं खड़ा करता है इसको लेकर। एक कॉलर जुड़ गए हैं इजहार, मैं आपके पास लौटूंगी, हम उन्हें ले लेते हैं पहले। रोशन है हमारे साथ। जी रोशन, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, आपके जो द्वारा जो ये डिबेट किया जा रहा है वास्तव में ऐसे डिबेट की आवश्यकता सिर्फ इसी समय नहीं होनी चाहिए, ऐसी डिबेट समय समय पर करवाई जानी चाहिए। जी रोशन जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी ऐसे मुद्दों को उठाने की आगे भी। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा ये कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों के संबंध में ये बात की जा रही है तो सरकार ने अभी जो सीएम राइज स्कूल विद्यालय प्रारंभ किए हैं उसमें भी यूनिफॉर्म वो खुद लेके देंगे ऐसा प्रावधान किया गया है, एक तो ये मैम। दूसरी बात ये है
कि जब जो दसवीं और बारहवीं के वो बच्चे जो गरीब बच्चे मात्र 1100 रुपए की फीस नहीं भर पाए हैं और उनके ऊपर 12,500 रुपए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लेट फीस प्रभावित की गई है, तो उनके शिक्षा के अधिकार के बारे में कोई बात क्यों नहीं उठाई जाती? रोशन जी, शुक्रिया आपके अपनी राय रखने के लिए। तो बिल्कुल, शिक्षा मूलभूत अधिकार है और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका एक शिक्षित देश को करना सभी सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों को परेशानी जो होती है, जो इतनी महंगाई अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उसकी मार अभिभावक पर पड़ती है, तो फिर किस तरीके की दिक्कतें होती हैं ये हम आपको बता रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नर्मदापुरम से। सुनील जी, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? मैम, जो स्कूलों के विषय में आप बता रहे हैं उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूं। जी जी, मैं एक स्कूल संचालक हूं मैम। जी, तो मतलब ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, दुकानें नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल शिक्षा का मंदिर है, दुकानें नहीं बननी चाहिए, ऐसा अभिभावकों पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि आपको नहीं मैम, आप मतलब जो न्यूज है वो गलत है। हम लोगों की आरटी के अंतर्गत हम लोग जो एडमिशन लेते हैं उनकी दो दो तीन तीन साल तक फीस पे नहीं होती हमारा, मतलब सुनील जी खबर गलत नहीं है, खबर बिल्कुल सही है। ये किसी एक जगह की बात हो सकती है कि फीस नहीं भरी जा रही है, लेकिन जो एक कॉमन समस्या है हम वो उठा रहे हैं जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। सभी के घर में बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, अभिभावक पूरे साल सिर्फ किताबों पे और स्कूल की ड्रेस पर ही अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर देते हैं। मुद्दा वही है कि क्यों बाध्य किया जाता है अभिभावकों को एक ही दुकान से, स्कूल की दुकान से ड्रेस खरीदने के लिए और किताबें खरीदने के लिए, जब वो और जगहों पर कम कीमत में उपलब्ध हैं। मुद्दा आज का यही। ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं जो अपनी समस्याएं परेशानी रख रहे हैं कि अभी भी ऐसा हो रहा है, नियम लागू है लंबे वक्त से। कौशलेंद्र विक्रम सिंह जिन्होंने इस नियम को कलेक्टर भोपाल जारी किया और इसके बावजूद भी इसका उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। राजकुमार है कटनी से, एक दर्शक हमारे साथ। राजकुमार जी, रखिए अपनी राय, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी, राजकुमार जी कहिए। जी मैडम, सबसे पहले तो एनडीटीवी और आप लोगों को, पूरी टीम को हमारे तरफ से सैल्यूट कि ऐसे मुद्दे सिर्फ आप लोग ही उठाते हैं। काश बाकी सभी चैनल इस टाइप के मुद्दे उठाते तो हमारा देश कुछ और होता आज। और ये जो आपने आज आपका क्वेश्चन जो आपने उठाया है, प्राइवेट स्कूल नहीं बेच पाएंगे किताबें यूनिफॉर्म जी, तो मैडम आप लोग बाकायदा सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इनको दिखाया भी जाता है बाकायदा आपके चैनल्स में, लेकिन ये कार्रवाई होती नहीं है मैडम। जैसे वेट बच्चों का कितना होना चाहिए, बैग का, ऑटो में कितने बच्चे जाना चाहिए, ये कुछ भी नहीं फॉलो किया जाता, सब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदारी प्रशासन की होना चाहिए मैडम कि बाकायदा हर स्कूलों में जाके अचानक निरीक्षण करना चाहिए इन्हें। जी राजकुमार जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि इन मुद्दों को वक्त वक्त पर उठाते रहें और उन अधिकारियों तक आप लोगों की, आम लोगों की आवाज पहुंचाते रहें कि किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, इसके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इजहार, अब हम कुल मिलाकर अगर प्रोग्राम के वाइंड अप का वक्त हो गया है, हम एक आपकी तरफ से ये जानना चाहें, जो दर्शक देख रहे हैं खासतौर से अभिभावक देख रहे होंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव, आगे इस तरीके की समस्या अगर आती है तो क्या वो करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कलेक्टर ने आदेश निकाला है उसमें एक और बात है कि जो स्कूल हैं उन्हें नोटिस बोर्ड के ऊपर अपनी बुक्स के राइटर और पब्लिशर का नाम लिखना होगा, और जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में भी बताना होगा। तो उससे ये फ़ायदा है कि जो बात सामने आती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, वो उनसे बुराई लेना नहीं चाहते, उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन जब कलेक्टर ने खुद इस तरह की व्यवस्था की है कि आप नोटिस बोर्ड के ऊपर किताबें देखकर किताबें खरीद सकते हैं, यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। और जब आप जब ज़्यादातर पेरेंट ऐसा करेंगे तो फिर स्कूल उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कोई एक पेरेंट करता है तो स्कूल उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ज़्यादातर पेरेंट्स ये करेंगे तो फिर वो कोशिश नहीं करेगा दबाव बनाने की। और दूसरी बात यह है कि अगर
किसी पेरेंट्स ने यूनिफॉर्म खरीदा है, बुक खरीदी हैं और कोई स्कूल उन पर दबाव बनाता है तो वो कलेक्टर भोपाल से शिकायत कर सकता है, उसका नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी, इस तरह की व्यवस्था भी की है। साथ ही जल्द ही कोई एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो सकता है कि जिसमें फोन करके अपनी समस्या को बता दें। जी इजहार, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने हमसे की, तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। और समीर, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।